टीवीएस लिमिटेड आज का जेम स्टॉक, और पहली बार ही बोल रहा हूँ। और देखिए इसकी वेबसाइट का नाम भी है फिर से बताइए नाम। टीवीएस मल्टी पीटीएस, तो ये बेसिकली एक बेहतरीन कंपनी है, और ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट B2B अप्रैल कंपनी है, और मान लीजिए कि इंडिया की लार्जेस्ट एमएनसी कंपनी, मतलब मल्टीनेशनल अप्रैल कंपनी, और ओवरऑल बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का बिजनेस है। बहुत सारे ब्रांड्स के साथ वर्ल्ड के ये लोग उनके लिए सोर्सिंग करते हैं। सो 20 करीब कंट्रीज में इनके ग्लोबल प्रेजेंस है, सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस है बांग्लादेश, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, जॉर्डन, ये सब कंट्रीज में। और क्लाइंट की प्रोफाइल भी गजब की है, आप देखिए रैल्फ लॉरेंट, कॉल्स, मेसीज, सीके, ये सारे ब्रांड्स है, टेस्को, सुपर ड्राई, ये सब ब्रांड्स इनके साथ है। क्लाइंट का कॉन्सेंट्रेशन हालांकि है, जो टॉप 20 क्लाइंट्स है उनमें करीब इनका मेजर बिजनेस आता है, बट अगेन कंपनी गजब का वो फैला रही है। और ओवरऑल मैं जब ग्रुप को देख रहा था तो इनके जो दूसरी कंपनी है वो पीडीएस, मतलब मिस्टर दीपक सेठ है जो ग्रुप चेयरमैन है और काफी रिनाउंड पर्सन है अप्रैल इंडस्ट्री में, और पीडीएस लिमिटेड, पर्ल ग्लोबल, फिर एक लेरो मोडेन GmbH, ये कंपनी है, पर्ल एकेडमी ऑफ फैशंस, पर्ल एकेडमी काफी पॉपुलर, हमारे जयपुर में भी इनका इंस्टीट्यूट है। सो ओवरऑल ये सारी इनकी ग्रुप कंपनीज है, और वो भी बहुत जबरदस्त, JBIMI से जमनालाल बजाज और सेंट स्टीफन्स के ग्रेजुएट है। तो ओवरऑल क्वालिफाइड मैनेजमेंट, एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग कंपनी, फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग, सबसे बढ़िया बात है फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो गजब की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है पिछले कुछ सालों में, और प्रॉफिट की क्या अगर गजब की बढ़ी है, और 15 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, 1.5% का डिविडेंड यील्ड, अच्छा डिविडेंड पे आउट रेशियो है, करीब 78% की पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या अगर रही है, 5 साल में भी अगर देखें तो 77%, 7 साल में 41%, इस तरीके की कंपनी की ग्रोथ रही है कंटिन्यूअसली सितंबर 2020 के बाद, यानी कि कोरोना के 2 क्वार्टर जरूर से इम्पैक्टेड रहे, बट ओवरऑल बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। और सितंबर 2022 में तो 100 करोड़ के ऊपर का इनका पैड था, क्योंकि हाईएस्ट टॉप लाइन था करीब 3,000 करोड़ का क्वार्टरली, तो आप देखिए 10-11 हजार करोड़ का टॉप लाइन, और गारमेंट्स के स्टॉक्स और टेक्सटाइल के स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से बढ़िया कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा अब वापस से कॉन्फिडेंट हूँ, और 336 के लगभग का TTM बेसिस पे प्रॉफिट्स है, यानी कि सितंबर 2021 में अगर 67 करोड़ का क्वार्टरली पैट था तो इस बार 93 करोड़ का क्वार्टरली पैट है, विच इज अगेन वेरी गुड। और प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग अराउंड 67%, FIIs और DIIs भी अच्छा खासा होल्ड करते हैं करीब 4-1%, और प्लस कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है, जिसमें वल्लभ भंसाली जी का नाम है, इनाम का नाम है, दिसंबर क्वार्टर की जो अपडेट आई थी उसमें इनके भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है, 408 का लेवल ऊपर दिखाया हुआ है, उसके सामने 350 के लगभग आज खुला हुआ है, तो 395-400 रुपए के टारगेट के लिए ये स्टॉक को लेना चाहिए। सो माई टारगेट इज 395-400।